समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान को रामपुर में भू माफिया घोषित कर दिया गया है। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों के जमीन को कब्जा कर लिया गया था। आजम खान के खिलाफ एक सप्ताह के दौरान जमीन कब्जाने के 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें एक मुकदमा 12 जुलाई को प्रशासन की ओर से दर्ज कराया गया, जिसमें कहा गया है कि आलियागंज के 26 किसानों ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है और अब आजम खान का नाम एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है। आपको बता दें कि इस पोर्टल पर उन्हीं लोगों के नाम दर्ज कराए जाते हैं जो जमीनों पर कब्जा करते हैं और उन्हें नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि सांसद आजम खान और उनके एक साथी के खिलाफ आरोप है कि उन लोगों ने 26 किसानों की 5000 हेक्टेयर जमीन हड़प ली और फिर इन किसानों के जमीन पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बना दिया गया। आजम के खिलाफ बीते एक हफ्ते में 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आलियागंज के 26 किसानों ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान ने उनकी जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली है। विरोध के बाद तब के सीओ सिटी और अभी जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आले हसन खान ने उन्हें डराया, धमकाया और हवालात में बंद कर दिया। इस शपथ पत्र के बाद एक मुकदमा 12 जुलाई को प्रशासन की ओर से दर्ज कराया गया। साथ ही उसी रात यूनिवर्सिटी कंपाउंड में आले हसन खान के घर पर छापा मारा गया। तब आले हसन हाथ नहीं लग सके, लेकिन पुलिस ने उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आले हसन के बेटे और पत्नी के खिलाफ भी सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद आलियागंज के उन सभी 26 किसानों ने अजीम नगर थाने में अलग अलग तहरीर दी। इनमें से 12 किसानों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि 14 किसानों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी है। इससे पहले 1 जून को भी प्रशासन ने आजम खान और आले हसन के खिलाफ कोसी नदी क्षेत्र की 5 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जाने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस तरह आजम खान और आले हसन खान के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में 14 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल 14 मुकदमे राजस्व परिषद में भी दर्ज कराए गए थे। इनमें आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बिना परमिशन लिए अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदी गई, ग्राम समाज की जमीन के बदले कम उपयोगी जमीन दे दी गई। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि शासन देश के मुताबिक ऐसे लोगों को भू माफिया घोषित किया जाता है जो दबंगई से जमीनों पर कब्जा करने के लिए आदि हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वे लोग अवैध कब्जे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश एंटी भू माफिया पोर्टल पर नाम दर्ज होने के बाद सरकार भी इसकी निगरानी करती है। उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने बताया कि आजम खान और आले हसन खान का नाम एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है। शासन और प्रशासन के निर्देश पर अब आगे नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा का कहना है कि आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच 3 सदस्यीय स्पेशल टीम करेगी। जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। उन्होंने बताया कि भू माफिया और हिस्ट्री शीटर में अंतर होता है। हिस्ट्री शीट उनकी खोली जाती है जो अपराध करने के आदि हैं। उनके फरार होने की आशंका है और पुलिस को उनकी निगरानी की आवश्यकता है। वहीं इस मामले पर सांसद आजम खान का कहना है कि मेरे खिलाफ दर्ज कराए जा रहे सारे मुकदमे फर्जी हैं। ये हमारे खिलाफ सरकार और प्रशासन द्वारा रची गई गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि हमने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए 1-1 इंच जमीन नियम के अनुसार खरीदी है। जिन किसानों से मुकदमे कराए जा रहे हैं उनसे हमने 14 साल पहले जमीन का बैनामा कराया है, चेक से भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि हमें परेशान और बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। इस जुल्म का डटकर मुकाबला करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हों तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।